तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। ठीक है, कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की जितनी भी बुक्स आपके लिए जरूरी हैं वो सभी खत्म कर चुके हैं, बस हमारी कक्षा 9वीं की विज्ञान बची हुई है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद आपकी कक्षा 10, 11, 12वीं की हम लोग बुक्स देखेंगे। तो आपकी कक्षा 6वीं से 9वीं तक की जो भी बुक्स हैं आपके लिए, यानी कि सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए, उन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज इसमें बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम लोग 3 अध्याय आपके खत्म कर चुके हैं। तो चौथे अध्याय में है आपकी परमाणु की संरचना। तो याद रखिए, समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लें, क्योंकि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आप सोचें कि इसके इन्हें बिना पढ़े आप पेपर निकाल दें तो मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता है कि आप निकाल सकते हैं, फिर अगर आप विद्वान हैं तो आपकी बात अलग है। ठीक है, तो आज जानते हैं हम लोग परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं आपके परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या फिर परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य कण भी विद्यमान होते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, यानी कि हमें इस अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि एक कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणुओं की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणुओं के अविभाज्य ना होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। एक बात हमेशा याद रखिए कि एक जो भी क्रियाकलाप दिए गए हैं इन्हें ना करने की जरूरत है, बस आपको पढ़कर निकल जाना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्रियाकलाप करते या प्रयोगशाला में करते बैठे रह जाए। तो कक्षा 9वीं का जो छात्र होगा वो आराम से करके बैठा रहेगा। ठीक है, क्रियाकलाप 4.1, सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक परमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे.जे. थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। कैनाल रे का आपको बताना है यार कि 1885 में हमारे देश में क्या घटना घटी थी। भारत में एक अच्छा कोई संस्थान किसकी स्थापना की गई थी या कोई अच्छी घटना आपको नीचे बताना है। एक निर्णय धारणा आवेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई के ई ऋण आवेश के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस आवेश के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना गया है कि परमाणु
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं आसानी से निकाला जा सकता। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि एक कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, और इसे हम प्रश्नों का उत्तर नीचे मिलेगा। अभी आप लोग इन क्वेश्चनों देख चुके हैं, है क्या देख चुके हैं, कैनाल किरणें क्या होती हैं, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं, ठीक है, इन सब के बारे में जान चुके हैं। परमाणु की संरचना हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु की भेदता दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया कि अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। तो बात करते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेश गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रिसमस के केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीच की भांति धसे हुए हैं। इस तरह से देखिए इलेक्ट्रॉन ये धनात्मक ऊपर गोला, टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जे जे टॉमसन साहब का नाम आ गया है तो उनके बारे में भी जान लीजिए। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे जे टॉमसन, इनका जन्म होता है 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 महीने में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में केवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी रहे। उनके 7 सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपके जीजे थॉमसन ने, और इसी के लिए ने नोबेल पुरस्कार मिला था 1906 में। टॉमस ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। यद्यपि टॉमस के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4U होता है इसलिए द्रवतीव गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत भारी थे इसलिए इन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। सोने के परमाणु अल्फा कण, सोने की परतें हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल्फा कण विकिरण प्रयोग से प्रयोग ने आशा बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले, क्या तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। देखिए निकल रहे हैं, इन्हीं की बात की जा रही है। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित यानी कि लौट जाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े
पर मारते हैं वह लौट कर आपको भी चोट पहुंचाता है। तो ई रदरफोर्ड के साहब के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म होता है 30 अगस्त 1871 में स्पेंग्योव में। उन्होंने नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोनी की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध थे। 1908 में इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला भौतिकी का। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद करते हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर की दीवार से टकराने के साथ ही वह एक कागज एक आवाज सुनता है। अगर उसे एक बार दोहराए अगर वह इसे 10 बार दोहराए तो वह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवार पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इसी तरह के अनुसार अल्फा कण विकिरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। कौन कौन से? परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोनी की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। यहां आपने चित्र में देखा भी है इस तरह से निकल रहे हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे जिससे यह संकेत मिला है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10^5 गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। कौन कौन से? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या क्या रही। आखिर वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। क्या है? परमाणु स्थायी है। फिर आता है बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नेल्स बोर ने परमाणुओं की रचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। याद रखिए, इस तरह से हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि पहले क्या आया। पहले आपका साइकिल बनी, उसके टायर पहले इस तरह हवा की तरह नहीं होते थे। फिर आप जा के देखते हैं 1890-95 के करीब आप देखते हैं कि टायर वाली हवा वाली टायर आते हैं। फिर उसमें सुधार होता जाता है और सुधार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं उसी तरह से जो कमियां रही उनने दूर की, फिर उन्होंने नहीं की, फिर आगे दूसरे रदरफोर्ड साहब उनने की। इस तरह से कमियां ढूंढते रहते हैं, उन्हें सुधारते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविकृत कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविकृत कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। नील्स बोर के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों के आधार पर 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। ये पुस्तकें आपसे कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं आपकी। दी थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक है, ये अगर 3-4 बुक्स के नाम दे देंगे आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन आपकी नील्स बोर साहब की बुक्स हैं, तो आपको बताना होगा। इन कक्षाओं यानी कि कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है।
किसी परमाणु में कुछ छूट जाए इस तरह, ए नाभिक हो गया, ए आपकी के कक्ष ए हो गया, एन बराबर एक, ए एल कक्ष हो गया, ए एम कक्ष हो गया, ए एन कक्ष हो गया। ए कक्षाएं के एल एम एन या फिर संख्याओं एक दो तीन चार के द्वारा दिखाई जाती हैं आपकी। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं न्यूट्रॉन। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण की खोज की जो अनाविष्ट और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अतः इनका इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। क्या पड़ा? न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। परमाणुओं का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे जे थॉमसन साहब ने की और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक साहब ने की, ठीक है। अब बात करते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। क्यों परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया गया है, जहां n कक्षा की संख्या या फिर ऊर्जा स्तर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष यानी कि k में कोष में होगी, तो 2 × 1² ये जो n बन लिखा गया है, n की जगह एक कक्षा है, ठीक है, बराबर 2। दूसरे कक्ष में आपकी होगी l कोष में होगी संख्या 2 × 2² यानी कि 8 होगी। तीसरे कक्ष या m कोष में होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। इस तरह से आप सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। चौथे कक्ष में आप n कोष में होगी 32, ठीक है। ये आपके पहले 18 तत्वों को की परमाणु संरचना की व्यवस्था क्रम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, देख सकते हैं। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 हो सकती है। किसी परमाणुओं के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले बारी वाली भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रम अनुसार भरती हैं। अब आप उसी तरह से रख सकते हैं, कई बार आप टंकी का इस तरह से फिलो कर देते हैं अपने घर की सभी टंकी को पानी की, कि जब एक भरेगी उसके बाद ही दूसरी टंकी में पानी जाएगा, फिर दूसरी भरेगी तीसरी, तो इसी तरह आपका एक इन कोषों का यानी कि कक्षाओं का है कि इससे पहले पूर्ण नहीं हो जाते उसके बाद ही आपका आगे जाएगा। जब तक आगे के नहीं भर जाएंगे उससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। पहले 18 तत्वों के परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र देख लिया आपने ऊपर। अब क्रियाकलाप 4.2 स्थायी परमाणुविक मॉडल तैयार करें और पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन साइनी 4.1 में दी गई है। संयोजकता, हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं या कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। यह देखा गया है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। कैसे? वे रासायनिक रूप से आपके सक्रिय नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे तत्वों का संयोजन शक्ति या संयोजकता 0 होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में आपके 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या फिर अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी बाह्यतम कक्ष को हम लोग अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने
या फिर उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति यानी कि संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर सकते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता संख्या एक कही जाती है। क्या आप जानते हैं कि मैग्नीशियम एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 3 और 2 है, सॉरी 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्युमिनियम के 3 होते हैं बाह्यतम कक्ष में। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान होता है, अतः इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है। इस तरह फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन में से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ये है आपकी संयोजकता। इसमें आप जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं आप लोग, इसमें 2 होगी ऑक्सीजन की संयोजकता। देखिए तत्वों का नाम हो गया, प्रतीक हो गया चिन्ह, परमाणु की संख्या हो गई प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, ठीक है, संयोजकता है। हाइड्रोजन प्रतीक चिन्ह ऐसे से व्यक्त, परमाणु की संख्या 1, प्रोटोनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, और इसमें के कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह से इसकी संयोजकता 1 होगी। इस तरह से ऑक्सीजन की देख लीजिए, बाकी आप देखते रहिएगा, ठीक है। 0 सॉरी ऑक्सीजन की संख्या क्या है? परमाणु संख्या 8 और प्रोटोनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और इसके 8 में जैसे आप 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इसमें वितरण किस प्रकार से होगा इलेक्ट्रॉनों का? 2 पहली कक्षा में, फिर 6 उसके बाद दूसरी कक्षा में, एल कक्षा में, इस तरह से आपकी 2 संयोजकता होगी इसकी, ठीक है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ठीक। अब चलते हैं हम लोग परमाणु संख्या तरह द्रव्यमान संख्या के बारे में, परमाणु संख्या देखते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, इसे आप लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। वास्तव में तत्वों को उसके परमाणु में विद्यमान प्रोटोनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटोन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए 6 है, क्या है? 6। इस प्रकार है एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को आप लोग परमाणु संख्या कह देते हैं। फिर आप सुनते हैं द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणुविक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U, क्योंकि इसमें 6 प्रोटोन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 + U + 6 U = 12। इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 U, 13 आपके प्रोटॉन होते हैं और इसमें 14 न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक हो गया, उसके बाद परमाणु संख्या, ठीक है। इस तरह से आप उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिख सकते हैं,
अब चलते हैं हम लोग समस्थानिक की ओर। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को लें, इसके तीन परमाणुक स्पीसीज होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है ऊपर एक क्रमशः 1, 2, 3 है। इसी तरह के अन्य उदाहरण है, जैसे कार्बन, इसकी आप द्रव्यमान संख्या इसकी ये ऊपर दी गई है, परमाणु संख्या नीचे दी गई है, ठीक है, 6 है। इसी तरह आप क्लोरीन ले सकते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान में होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होते हैं आपके। याद रखिए सीधी बात, आपके समस्थानिक की अगर परिभाषा पूछे तो आपको बताना है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U, जो 3:1 के अनुपात में होता है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या उठता है, कि किस प्रकार को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए पता लगाते हैं, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणुओं का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा, औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणुओं का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे, औसत द्रव्यमान 35.5। समस्थानिकों के अनुरूप प्रयोगों की बात करें तो कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। कैंसर के उपचार में आपने सुना होगा कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। गेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। फिर एक शब्द सुनते हैं संभारी, दो तत्व कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या 20 है और आर्गन परमाणु संख्या इसकी 18 है के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटोनों की संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों में से इस जोड़े अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। क्या अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों की जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। और जहां आपके परमाणु संख्या समान थी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी उन्हें समस्थानिक कहा गया था, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया इसमें विज्ञान में एक अच्छा है कि आपके लिए बता दिया जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, यानी कि निष्कर्ष के रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की खोज क्रमशः जे जे थॉमसन और ई गोल्ड स्टीन ने की थी। जे जे टॉम्सन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के विकिरण प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणुओं के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की उपस्थिति को खोजा।
इस प्रकार परमाणु के तीन अपरमाणु कणें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन आपके धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन आपके अनावेशित होते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन अनावेशित। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की 1/20 2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान एक तिहाई एक इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को के एल एम एम एन या फिर 1 2 3 4 के नाम दिए जाते हैं। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटोनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो एक तरह से इसका ये निष्कर्ष था। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी लगा सकते हैं। याद रखिए पहली पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करके रख लें, जरूरत पड़ती ही रहती है। और एक ही जगह आपको पीडीएफ डली हुई है कि कौन कौन सी पीडीएफ बुक्स आपको पढ़नी है, आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये होता है आपका चौथा अध्याय खत्म। अब पांचवें अध्याय में बात करेंगे हम लोग जीवन की मौलिक इकाई के बारे में।